असल जी कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं अशफाक साग सत्ती एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है अच्छा मैंने ये सोचा कि कल जो सिलसिला मैंने शुरू किया है उसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखा जाए ताकि आपसे गुफ्तगु मेरी होती रहे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक ठाक रहूँ और आपसे बात कर सकूँ और बात करके अपना नुक़ः नज़र मुख्तफ़ चीज़ों के हवाले से ज़ाहिर है कि हालात हाज़रा से लेकर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ बहुत से और भी मामलाते हैं जिन पर बात कर सकता हूँ ज़ाती मामला ऐसे हैं कि जिन पर मैं बात करना पसंद नहीं करता बहालती मजबूरी भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कि अगर मैं किसी मामले पर बात करूँ अच्छा आ, एक चीज़ जो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल जिस तरह के कल की जो एपिसोड थी उसमें मैंने आपको बताया कि वक्त की खूबसूरती क्या होती है और आज़माश और सज़ा में फ़र्क क्या होता है जो कि ज़ाहिर के जो मालूम की हद तक हमें पता है उससे हट के एक चीज़ होती है लोगों के असल चेहरे कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है कौन ऑपरचुनिस्ट है देखिए दोस्त तो वो होता है जो कि आपके मुंह पे बैठ के आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सके आपके मुंह पर बैठ के आपको बता सके कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं लेकिन आपके साथ खड़ा रहे बाकी कई लोग जो आपकी दोस्ती का दावा करते हैं लेकिन ज़रा सा जर कोई ऐसा वैसा वक्त आया तो फ़ौरन जो है वो कन्नी कतरा जाते हैं और बाद में जब आपकी सूरत हाल ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर वारद हो जाते हैं कि जी हम तो यहाँ मसरूफ़ थे वहाँ मसरूफ़ थे एक्सेट्रा एसेट्रा बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो विकेट के दोनों तरफ़ खेलते हैं यानी कि इधर की बात उधर उधर की बात इधर और बीच में पता नहीं उनको क्या ऐसा स्वाद या मज़ा आ रहा होता है ऐसे लोग आपके वर्क प्लेस पर भी होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि आपकी एबसेंस में शायद उनको कोई फ़ायदा मिल जाए तो वो पैगाम रसानी का काम भी करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं बाज़ अव ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे किसी मकाम पर होते हैं दूसरे किसी जगह पे होते हैं लेकिन उनको उस सिचुएशन से फ़ायदा लेना होता है यानी कि जब आप ज़मीन पर हो जब आप गिरे हुए हो तो वो भी आके दो टड्डे आपको मार लेते हैं क्योंकि उससे उनको उनका दो मिनट का फेम मिल जाता है फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ब्रेड एंड बटर ही ये होता है कि आ, किसी जाने पहचानी शख्सियत को आपने नीचा दिखाना है वो ये नहीं देखते कि किसी का फैमिली मैटर है किसी का किस तर्ज का मैटर है तो वो बस बेसिकली जैसे गिद्ध नहीं होते स्केवेंजर्स नहीं होते वैसे ही उनका अपना एक तरीकेकार होता है तो लेट्स नॉट ब्लेम देम, बिकॉज ये दुनिया का निज़ाम है दुनिया का तकाज़ा है जिस दुनिया में भाई भाई का नहीं होता मुख्तलफ मामलात में बेटा माँ बाप का नहीं होता औलाद नहीं होती किसी की तो ऐसे मामला में किसी थर्ड पार्टी पे क्या ब्लेम करना बहरा तो एक तो चीज़ ये हो गई दूसरा ये है कि इस सूरत हाल में किया क्या जाए इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है एक तो ये है कि अपने मामला जो हैं वो अपनी हद तक रखें दूसरे लोगों को किसी भी तौर पर पैगाम रसानी का ज़रिया ना बनाए तीसरी चीज़ ये है कि आप किसी पर भरोसा मत करें ये बात मैंने गुज्तर रोज़ भी कही थी आज भी कर रहा हूँ कि फूक फूँक के कदम उठाएँ भरोसा करने का मकसद ये है कि आपने किसी को अपने दिल की बात खोल के बता दी अब अगला बंदा कहाँ कहाँ उसको फैलाए किस किस सिचुएशन में कब कब यूज़ करे आपका ताल्लुक उसके साथ कैसा रहे ये मैं जब शो किया करता था तो उस दौरान भी मैं बात करता था कि ये जो हम थेरेपी की बात करते हैं ना ये हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में थेरेपी इसलिए ज़रूरी है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप अपने दोस्त से अपना कोई हाल दिल शेयर करते हैं उसके बाद फ़र्ज़ करें आज से दस दिन बाद आपके उस दोस्त के साथ अच्छे टर्म्स ना रहें उसके बाद वो बंदा जाके सारी दुनिया में गाएगा कि यार फलां मौके पर इसने मुझसे ये बात की थी फ़लाँ मौके पर इसने मुझसे ये बात की थी अच्छा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो थेरेपी भी होती है हमारे यहाँ जो काउंसलिंग भी होती है तो वो लोग भी जाहिर है कि किसी ओथ के तहत असूला तो दुनिया भर में जहाँ पर मैंने सीजनस की हद तक या फिल्म की हद तक देखा है कि लोग आ, एक बाकायदा एक प्राइवेसी होती है एक एक उनका आपस में एक बॉन्ड होता है जिसके तहत वो अपनी चीज़ें बाहर शेयर नहीं करते वो आ, मतलब एक प्रिविलेज होती है जो एक डॉक्टर और उसकी पेशेंट की होती है लेकिन हमारे यहाँ ये मामला नहीं है हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब ने थेरेपी के सेशन के बाद दो जड़ा चढ़ाए और उसके बाद जाके अबे यार वो नहीं जानते थे वो जो सत्ती यार वो मेरे पास आया था यार ये ये कहानी है यार उसकी तो वो फिर यू you नो know, वो चीज़ें इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर सो डोंट ट्रस्ट एनी एक्सेप्ट फॉर योर सेल्फ दूसरी चीज़ ये है कि एक्सेप्टेंस अगर आप गलत हैं तो आपके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और फिर करेक्टिव बिहेवियर या मेजर उसी हिसाब से लिए जाने चाहिए तीसरी चीज़ ये है कि बी ट्रूथफुल कोशिश करें जितना कुछ हो रहा है सारी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर आप, आप सच का साथ दें सच का सहारा लें क्योंकि वो फिर चीज़ें याद भी रहती हैं वो चीज़ें फिर स्टिक भी करती हैं <laughs> चौथी चीज़ यह है कि आ, मतलब नो no मैटर लोग आएंगे ना आके अरे हम आपके साथ खड़े हैं अरे भैया आपने ना चुप के रखना है काम आपने ये कर देना आपने वो कर देना आप ये कर दें वो कर दें मेजर फुला आप तो बस नस्त तो नाबूद कर देंगे वो फ़ौर आपको जो है वो एक कोई एक बड़ा कोई एक क्या कहते हैं उसको तारक बिन ज्यादाद बना देंगे आपको फ़ौर ही कोई एक मतलब वो आपको लगेगा कि जैसे आप कोई तुर्की की कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं और उसके आप हीरो हैं और ये सारा लश्कर आपके साथ सपोर्ट में खड़ा है ठीक है तो आपने ऐसा नहीं करना आपने वो करना है जो चीज़ उस वक्त आपके मुफाद अच्छा मैं ये चीज़ें देखिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप अपना रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए कुछ भी बेहतर करने के लिए लाइफ में क्या कर सकते हैं लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ कि आपने क्या नहीं करना तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ क्योंकि आई लाइफ तो ये कम अज कम आप लोगों के लिए सबक हो सकता है कि भाई टू लर्न फ्राम दैम ठीक है और दूसरा अपनी इंटेंशन हमेशा अच्छी रखें इंसान से अच्छे लोगों से भी बुरी चीज़ें हो जाती हैं बुरे लोगों से अच्छे काम हो जाते हैं लेकिन आपकी इंटेंट जो है वो बुरी नहीं होनी चाहिए आपकी नीयत लोगों के हवाले से बुरी नहीं होनी चाहिए आप कमीने नहीं होने चाहिए अंदर से आप बुरे नहीं होने चाहिए ठीक है और इसके अंदर मैं सच्ची बात बताऊँ जब आप रात सुबह सोते हैं ना सुबह उठते हैं पूरा दिन गुजारते हैं रात को ख़ुद एहतसाबी का एक वक्त होता है जहाँ पर आप अपने आप से अपनी ज़ात से सवाल करते हैं कि यार ये ये चीज़ें मैंने की हैं ये मैंने क्या किया तो उस वक्त आपको अपने आप से शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए उस वक्त अगर आपका ज़मीर आपको मदामद कर रहा है तो एक तो अच्छी बात यह है कि आपका ज़मीर ही चलता है दूसरी चीज़ यह है कि आप उस पर करके आ सकते हैं एवरी डे इज़ अ न्यू डे ठीक है ये जो होता है ना डिप्रेशन का एक फ़ेज़ होता है ये बड़ा ख़तरनाक फेज़ होता है लेकिन एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड इट्स यू एंड योर रिस्पॉन्सबिलिटी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को उस मुर्दा कैफियत से किस तरह से उठाते हैं

कैसे हैं क्या इकदाम कर सकते हैं क्या मेजर्स ले सकते हैं वो आपको करने है और सुने सबकी करें अपनी और वो करें जो ठीक हो स्टेट इनफोमो